बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक फूड मेक एंड टेक। मैं हूँ आपकी दोस्त अनम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा शेयर करने वाली हूँ। मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के बाद ईद भी आएगी, तो इतने मुख्तलिफ मज़े मज़े के मीठे बनते हैं। और रमज़ान में भी आप चाहें तो ये रमज़ान में बनाएं और चाहें तो ईद पर बनाएं, क्योंकि ये झटपट बनने वाला मीठा है। सहरी और इफ्तारी में भी आप बना सकते हैं, तो बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मीठे के लिए हमें जो चीज़ पहले से तैयार करनी है वो है जेली, वो जो कि मैं तैयार कर चुकी हूँ। और इसकी रेसिपी घर पर तैयार करने की बहुत ही जल्दी से और मज़ेदार आसान सी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। तो मैं बना चुकी हूँ, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क हाफ कप, और यहाँ पर हाफ कप ही मैं दूध का ले रही हूँ मलाई के साथ। ये देखिए, इसमें कितनी मोटी मलाई भी है। अगर आपके पास मलाई नहीं, तो फिर आप दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा, या फिर एक एवेपोरेटेड दूध भी दूसरे बाज़ार से मिल जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आप यही घर वाला दूध ही यूज़ कर लीजिएगा। हाफ कप ही मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ, जो कि बाज़ार की होती है टेट्रा पैक वाली। यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी लिया था, और उसमें हाफ कप गरम पानी में मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर, और उसको सोक होने के लिए रख दिया था वीडियो बनाने से पहले ही, तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट सोक होने के बाद अब मैं ये भी इसमें डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को हम एक दफ़ा अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे सारे ग्राइंड हो चुके हैं। अच्छा, आप इसमें चाहे, अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं, तेज़ मीठा खाते हैं, या बच्चे जैसे कि मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला, इसलिए चीनी नहीं यूज़ करनी चाहिए अगर आप कम खाते हैं, तो बाकी आपके टेस्ट के पे ही डिपेंड करता है टोटली। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची एसेंस डाल रही हूँ, 3 से 4 कतरे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें से। तो एक दफ़ा फिर से मशीन को चला लेंगे, ग्राइंडर को। असेंबलिंग हमारी हो चुकी है, अब हम ऊपर डाल देंगे ये जो चीज़ें हमने ग्राइंड की थी इस तरह से। जो हमारी बची हुई जेली है वो भी सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ऊपर या नीचे जहाँ पे भी जाएगी ऐसे ऐसे डाल देंगे सारी इसके ऊपर ही। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा मीठा कितना ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। देखें, जो पतला सा हमारा था डिज़र्ट, अब देखिए ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। और इसका जो ऊपर जो बची हुई जेली थी, ये देखें, ये भी जेली की तरह हो गया है। और ये कैसे हुआ, जो हमने इसमें जेलाटिन ऐड किया था ना, उसकी वजह से ये भी जेली की तरह का मीठा हो चुका है, बन चुका है। तो जो बची कुची जेली थी वो मैंने ऊपर गार्निशिंग कर दी इसके साथ, और देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा लुक हो गया है। अब हम इसको कट करते हैं। कट लग चुका है, अब हम इसको उठा के देखते हैं अपना डिज़र्ट। वाह, ज़बरदस्त, देखिए कितना प्यारा ये भागा फिर रहा है। सर्विंग प्लेट में रखते हैं, बहुत ही टेस्टी है। मैं तो टेस्ट भी कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े का है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा ईद और रमज़ान पे ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।